न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर निया टंडो जाम में काश्तकारों की आगाही के लिए फार्मर्स डे का एहतमाम किया गया, जिसमें किसानों, आबादगारों और जरी शोबे से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अजरकों के शहर में अपना घर बनाएं, टाउन वन के साइट ऑफिस तशरीफ लाएं। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर निया टंडो जाम में चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर मेहमान खुसूसी थे। इनके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध आबादगार बोर्ड सैयद नदीम शाह जामोट, वाइस चांसलर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद खान वसान, डीजी एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध के नुमाइंदे डॉक्टर अली भुट्टो व दीगर अमायदीन और आबादगारों ने शिरकत की। तकरीब में इस्लामाबाद से डीजी एग्री एंड बायोटेक डॉक्टर इफ्तिखार अली ने भी शिरकत की। हाजरीन ने ज़रई शोबे की अहम मालूमात में खुसूसी दिलचस्पी ली। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद नदीम शाह जामोट ने निया टंडो जाम के ज़रई साइंसदानों की काविशों को सराहा और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की इस तकरीब में आमद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपका ये इदारा बहुत अहम काम अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी के शोबे में एटॉमिक एनर्जी का अहम किरदार है, क्योंकि बदलते हुए हालात और मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में एटॉमिक एनर्जी के तहकीकी मराकज काबिल सताइश किरदार अदा कर रहे हैं। अपने क्याम के फौरन बाद ही इस इंस्टीट्यूट का, जिसको न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, टंडोजाम में कायम किया था। इसका मकसद ये था कि ज़राअत के शोबे में न्यूक्लियर टेक्निक के ज़रिए जो हम बेहतरी ला सकते हैं उस पर तहकीक की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस इंस्टीट्यूट ने 35 वराइटीज़ जो है ना इंट्रोड्यूस कराई हैं, जो मुख्तलिफ़ अकसाम की हैं, जिसमें कपास, गन्ना, चावल, गंदम और हर तरह की मुख्तलिफ दालें शामिल हैं। मैं इसमें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये फार्मर्स डे सिर्फ हमारे इस इंस्टीट्यूट में नहीं मनाया जाता, बल्कि हमारे 4 ज़रई तहकीकी मराकज़ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। वहाँ फार्मर्स डे होता है, जिसका मकसद फार्मर्स में या किसानों में, काश्तकारों में, आबादगारों में, तमाम स्टेक होल्डर्स में आगाही पैदा करना होता है, ताकि वो इस तरह की जो कौन सा बीज उन्होंने काश्त करना है और किस तरह से आप ज़रई पैदावार को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से इस जो तहकीक का जो ज़रई शुबे में न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और दीगर हमारे जो ज़रई तहकीकती मराकज़ कर रहे हैं उनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जाए, इसके लिए ये हम करते हैं, ये वाले फार्मर डे करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, ख़ास तौर पे हमारे आबादगारों के लिए। और जो यहाँ टंडो जाम वालों ने 2-3 अजनास गंदम की जो इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिनमें न्या सुनहरी है, न्या सारंग है, तो इस तरह की वो रस्ट फ्री जो वैराइटीज़ आई हैं गंदम की, इनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और आपको ये बताते चले कि पूरे जो पाकिस्तान में जितनी भी गंदम की अजनास है उसमें तकरीबन 90% जो गंदम की वैराइटीज़ हैं उन पर रस्ट आ रही है। रस्ट आने की वजह से क्या हुआ है कि हमारी प्रोडक्शन कम हो गई है। अब ये जो नई वैराइटीज़ ये लेके आए हैं यहाँ मार्केट में, तो उनमें रस्ट नहीं है। रस्ट की वजह से ये फ़ायदा हुआ है आबादगार को, और ये जो बड़े में बड़ा प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा हमारा। हम जो काम करें काश्तकार भाइयों के लिए कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि जी हमें पैदावार ज़्यादा बढ़े फसलों की, और उसके साथ साथ उनके साथ जो बीमारियाँ लग रही हैं उनकी भी रोकथाम करें। तो इस इदारे ने 1963 से ये इदारा कायम है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। तो इस साल जो हमने फार्मर्स डे किया है 2023, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब जो हैं तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, डॉक्टर अली रजा अनवर साहब, उनके साथ मेंबर साइंस हैं, डीजी साहब हैं और सारे सिंध से जो ज़मींदार हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए, आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे हमारे फार्म को भी विज़िट किया। हमारे अभी चूँकि गंदम की सीज़न है, हमारे गंदम फसल जो खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़मींदारों को बड़ा बहुत पसंद आया है, और हमारी जो वैराइटीज़ जो कि हम ज़मींदारों को हजरात को दे रहे हैं उनकी बड़ी अच्छी वो पैदावार ले रहे हैं। और आप सब ने इसके विटनेस है, आपने देखा सभी दोस्त इसकी बात कर रहे हैं जी हम निया से बीज लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो बीज है उसकी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, प्री बेसिक वैराइटीज़ का सीड बनाते हैं। आज तक 35 वैराइटीज़ हैं। अभी रिसेंटली हमने जो 2022 में गंदम की 2 इकसाम जो हैं निया जरखेज़ और निया शाहीन तैयार की हैं काश्तकार भाइयों के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सूबा सिंध से मंजूर हुई हैं, वो सिंध पे लग रही हैं। टाउन वन एक ऐसा प्रोजेक्ट
जहां पर बच्चों और बड़ों सबकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए दीगर मॉन्यूमेंट के साथ साथ PIA का एक पैसेंजर जहाज भी नस्ब किया गया है। और हाँ, इस शाहकार प्रोजेक्ट में आपको मिले नाहिद बिल्डर एंड डेवलपर्स का एतमाद, अजरकों के शहर में अपना घर बनाएं, टाउन वन के साइट ऑफिस तशरीफ लाएं। टाउन वन, आसाइशें ख्वाहिशों से बढ़कर। बुकिंग और तफसीलात के लिए नाहिद बिल्डर एंड डेवलपर्स, मेन टंडो मोहम्मद खान रोड, नज़्द सीरी चौक। फोन 03113111136, 03263111136।